मेरे समक्ष दाईं ओर बैठे हुए हैं उदयपुर से आए हुए आदरणीय श्री अजात शत्रु जी, ठीक उनके बगल में राजस्थान की सौर भूमि से हमारे बीच विराजित हैं फालना राजस्थान से आई हुई कविता किरण जी, इटावा जिसके कण कण में कविता है, कण कण में साहित्य है और शौर्य की अनेकों गाथाओं से जुड़ा हुआ है हमारे इटावा का नाम, वहां से हमारे बीच देश को गाने वाले, सिर्फ देश और सिर्फ देश को गाने वाले आदरणीय कमलेश शर्मा जी बैठे हैं। और अगर क्रांति धारा का नाम लूं तो क्रांति धारा में आपके जहन में केवल एक और एक नाम आएगा और आप कहेंगे क्रांति धारा तो आपके जहन में गूंजेगा मेरठ। मेरठ से राधा कृष्ण के गीत गाने वाली, एक अपने अहिंसक धर्म जैन धर्म से आने वाली एक ऐसी नई चेतना की कवित्री जिन्होंने समय पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रखा है अपने मेरठ का, आज वो आपके बीच खड़ी होकर के मर्दानी की एक, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपना मर्दाना रूप दिखाया था वैसे आज अपने देश के सैनिकों के शौर्य का गान करने के लिए हमारे बीच है अनामिका अंबर। और मैं कवि सुदीप भोला जबलपुर संस्कारधानी मध्य प्रदेश से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। ये फोड़ा नासूरी है लेकिन चीर फाड़ करना जरूरी है, आप कहेंगे ये हिंसा है, हिंसा है लेकिन बहुत जरूरी है। आइए उस पड़ोसी मुल्कों के ऊपर जिसको तीन बार हमने युद्ध में बहुत बुरी तरह से पटकनियां दी, हमारी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को जो मानने से तैयार नहीं था, हाफिज सईद जैसे लोग वहां प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बन के खड़े हो जाते हैं। हमारे देश की समस्या यही है कि हमारे जितना एक देश के बाहर जो पाकिस्तान हमें पड़ोसी मुल्क हमें जितना परेशान नहीं कर रहा, उस भाषा को हमारे देश के अंदर के कुछ बड़े नेता भी गाने लगे। मैं तो कहता हूँ ये जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान, कश्मीर को देखता हूँ तो वाकई कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। तब जाकर के आक्रोश की एक कविता सुनिएगा, मैं भी सुना देता हूँ। मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी, केसर वाली क्यारी में बारूद किसी ने बो दी जी, मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी, केसर वाली क्यारी में बारूद किसी ने बो दी जी, एक बार आतंकवाद का भी कर दो उपचार, एक बार आतंकवाद का भी कर दो उपचार, 2019 में होगी तब ही जय जयकार आपकी होगी जय जयकार, मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी, केसर वाली क्यारी में बारूद किसी ने बो दी जी। पूरे कश्मीर को कहा जाता है कि पूरा कश्मीर विवादित है जबकि कुल 3.5-4 जिले हैं जहां पर ये थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं। सुनिएगा कि 3.5 जिलों में बैठे हैं लश्कर और हिजबुल्ला, 3.5 जिलों में बैठे हैं लश्कर और हिजबुल्ला, कश्मीर को समझ रहे अपने अब्बा का रसगुल्ला, जिनके पैरों कार बने आजाद नबी और अब्दुल्ला, अरे जिनके पैरों कार बने आजाद नबी और अब्दुल्ला, जिनके पैरों कार बने आजाद नबी और अब्दुल्ला, देशद्रोह का साज बजाते सोज यहाँ खुल्लम खुल्ला, देशद्रोह का साज बजाते सोज यहाँ खुल्लम खुल्ला, मेजर गोगोई से बोलो जीप करें तैयार, अरे मेजर गोगोई से बोलो जीप करें तैयार, बांध के इनको बोनट पर भेजो अब सीमा पार आपकी होगी जय जयकार, मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी, केसर वाली क्यारी में बारूद किसी ने बो दी जी। अब देखिए लोग कहते हैं असहिष्णुता है, अभी रमजान के महीने में पत्थर खाते रहे सैनिक लेकिन प्रत्युत्तर नहीं दिया। सुनिएगा इससे ज्यादा सहिष्णुता के क्या प्रमाण दिए जाए, सुनिए कि पत्थरबाजों को माफी दे बड़े हृदय का काम किया, पत्थरबाजों को माफी दे बड़े हृदय का काम किया, लेकिन गद्दारों ने तुमको सरे आम बदनाम किया, सेना का सम्मान बचाने गठबंधन भी छोड़ दिया, सेना का सम्मान बचाने गठबंधन भी तोड़ दिया, मगर मुखर्जी का तुमने संकल्प अधूरा छोड़ दिया, मगर मुखर्जी का तुमने संकल्प अधूरा छोड़। एक पंक्ति कहता हूँ, समर्थन ऐसा दीजिएगा कि मेरे हमारे देश के कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जिन जो अपने मन का दर्द ना बता पा रहे हैं ना उनका कोई दर्द समझ पाया सही तरीके से। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाली कांग्रेस से मैं एक बात कहता हूँ, असली सर्जिकल स्ट्राइक तो आपने की थी कश्मीर से, लाखों लाख हमारे कश्मीरी पंडित भाई पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है, उसके सबूत हमने कभी नहीं मांगे और ना आपने उसके कोई सबूत छोड़े।
इसको ये गुपचुप सर्जिकल स्ट्राइक थी आपकी, सुनिएगा कि पत्थरबाजों को माफी दे बड़े हृदय का काम किया, लेकिन गद्दारों को तुमने सरेआम बदनाम किया, सेना का सम्मान बचाने गठबंधन भी तोड़ दिया, मगर मुखर्जी के सपने को अभी अधूरा छोड़ दिया, मगर मुखर्जी के तुमने संकल्प अधूरा छोड़ दिया, कश्मीरी पंडित को उसका दिलवा दो अधिकार, कश्मीरी पंडित को उसका दिलवा दो अधिकार, 2019 में होगी तब ही जय जय कार आपकी। मोदी जय जयकार, मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी, केसर वाली क्यारी में बारूद किसी ने बो दी जी। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, इतना दुख होता है जिन माओ के बेटे शहीद हो जाते हैं, जिन माओ के बेटे अपने खून से सरहद की रेखा खींच देते हैं लक्ष्मण रेखा, उन माओ के दिलों से पूछना जब ये सबूत मांगने वाले लोग इसी ऐसे परिवार से जाकर के मिलेंगे, तब इनको साइज शर्म आएगी और चुल्लू भर पानी भी नसीब ना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस हमारे मंच की हूर जो हमारे सामने बैठी है वो मुझे घूर घूर के देख रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा आप भी पाकिस्तान को निपटाएं, इसीलिए उनके पास बैठे। जिन शोलों से थे खेले वो प्रचंड हो गए, जिन शोलों से थे खेले वो प्रचंड हो गए, अरमान उनके देखो खंड खंड हो गए, अरमान उनके देखो खंड खंड हो गए, सर्जिकल को फर्जिकल जो कह रहे थे अब तलक वो अपने ही दावों से जैसे झंड हो गए, वो अपने ही दावों से जैसे झंड हो गए, वो अपने ही दावों से जैसे झंड हो गए। मैं नए नए प्रयोग करती हूँ आप बहुत आप। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आइए मुद्दे पर आती हूँ। कुछ लोग जो इस तरह की बात करते हैं रहते यहाँ हैं, बात कहीं और की करते हैं, मेरे प्रतीकों से बात आप सहमत हो और मेरे प्रतीक आप तक पहुंच जाए तो आपका मन मांगती हूँ, सुनिएगा कि JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग, JNU के चांद, मैं बात वहां से शुरू करती हूँ जहां से शुरू होती है कि JNU के चांद पर लगा ये कैसा दाग, नाम कन्हैया रख लिया काम कालिया नाग, कुचल दो इनके फन को बचा लो अपने वतन को, कुचल दो इनके फन को बचा लो अपने वतन को, बचा लो अपने वतन को। और जो देश में रह करके कहीं और की बात करते हैं तब कहती हूँ कि ऐसे लोगों पर सदा व्यक्त करें हम खेद, ऐसे लोगों पर सदा व्यक्त करें हम खेद, कि जिस थाली में खा रहे उसी में करते छेद, अजब ये बीमारी है इन्हें कुर्सी प्यारी है, अजब ये बीमारी है इन्हें कुर्सी प्यारी है, इन्हें कुर्सी प्यारी है। तब इस कलम से एक बात निकलती है और वो बात कहती हूँ कि पराए मुल्क का तू अपने घर जाए तो अच्छा है, पराए मुल्क का तू अपने घर जाए तो अच्छा है, जरूरत ही नहीं तेरी सुधर जाए तो अच्छा है, जरूरत ही नहीं तेरी सुधर जाए तो अच्छा है। वो एक बेटा रुलाता है जो माँ को खून के आंसू, वो एक बेटा रुलाता है जो माँ को खून के आंसू, जन्म लेने से पहले ही वो मर जाए तो अच्छा है, जन्म लेने से पहले ही वो मर जाए तो अच्छा है, जन्म लेने से पहले ही वो मर जाए। और आपने हाल ही में सुने होंगे कुछ बातें कही गई और पाकिस्तान की भाषा एक तरह से बोल दी गई, तब मैं एक पैरोडी कहती हूँ, आप सबका मन चाहती हूँ सुने, इन लोगों ने किस कदर क्या कह दिया, इन्हें क्या कहना था इतना भी यदि समझ में नहीं आता तब कहती हूँ कि यूं तो सियासी खेल में होती शय और मार, यूं तो सियासी खेल में होती शय और मार, लेकिन सबसे ऊपर होती अपने देश की बात, यूं तो सियासी खेल में होती है शैमात, लेकिन सबसे ऊपर होती अपने देश की बात, पाक की भाषा बोल दी भूले
की सौगात ओए होए गुलाम नबी और सोज पे कर लो राहुल जी अफसोस गुलाम नबी और सोज पे कर लो राहुल जी अफसोस नफरत के पुतले जो भारत की धरती पर बोझ नफरत के पुतले जो भारत की धरती पर बोझ आप सुरक्षित रहे तभी तो सेना है तैनात ओए होए बहुत आभार बहुत ही अच्छा अनामिका जी ने बड़ी एनर्जी अच्छा थैंक यू जी थैंक यू आज हमसे एक अपराध हुआ है और अपराध ये हुआ है कि हमने दो कोड़ी के देश पर लाख रुपए की कविता बहुत अच्छे क्या बात बहुत अच्छे तो मैं भी उसमें अपना एक अर्घ दे रहा हूँ सुनिए ओ मेरे मोदी डियर अच्छा है वाह वाह ओ मेरे मोदी डियर तूने ऐसी नजर बॉर्डर पे लगाई मजा आ गया इसको भी कर दिया उसको भी हटा दिया सबकी कर दी तबाही मजा आ गया सियासत से बड़ा सरहद का वो बलिदान जिंदा है सियासत राजनीति से बड़ा है सरहद का काम सियासत से बड़ा सरहद का वो बलिदान जिंदा है अमरता में तिरंगे का यहाँ सम्मान जिंदा है तुम्हारा मुल्क क्या समझेगा सैनिक को शहादत को तुम्हारा मुल्क क्या समझेगा सैनिक को शहादत को हमारी धड़कनों में अब भी हिंदुस्तान जिंदा है हमारी धड़कनों में अब भी हिंदुस्तान जिंदा है लेकिन मुझे कांग्रेस से थोड़ी शिकायत है और कांग्रेस से क्या शिकायत है वो मैं चार पंक्तियों में यहाँ रखना चाहता हूँ इसमें सुनिए ये आजादी फकत चरखे या खादी से नहीं आई ये आजादी फकत चरखे या खादी से नहीं आई जलाकर खून का दीपक शहादत की कसम खाई जलाकर खून का दीपक शहादत की कसम खाई इसी मिट्टी में शेखर और भगत सिंह की कहानी है और अब जरा मन रख लेना अगली पंक्ति में मैं इशारा कर रहा हूं शायद आप बात समझ जाएंगे इसी मिट्टी में शेखर और भगत सिंह की कहानी है हवा में हाथ लहराने से आजादी नहीं आई हवा में हाथ लहराने से आजादी नहीं आई जरा एक बार जयकारा लगा दे हिंदुस्तान हिंदुस्तान मैं गीत सुनाना चाहता हूँ मेरा मन है देश की वर्दियों को गाली दी जा रही है नया फैशन नया ट्रेंड चल रहा है इसमें नौ सेना को गाली देने का रिवाज है कोई बयान दे देता है हमारे सेना अध्यक्ष गली के गुंडे हैं वो एक वो कह देता है जेएनयू में खड़ा होकर के कि हमारी सेना तो रेपिस्ट है मैं गीत सुनाता हूँ इस देश की युवा ताकत मेरे सामने बैठी हुई है देश की तमाम वर्दियों को समर्पित करता हूँ अपने जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ गीत आपको सुनाता हूँ एक बार तालियां बजाइए आप वर्दियाँ 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 ये वर्दियाँ सैनिकों की वर्दियाँ सिपाहियों की वर्दियाँ जो वतन के वास्ते जो वतन के वास्ते खून में सनी रही रेश 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 देश के लिए बनी रही आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां वर्दियां 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 ये वर्दियां सैनिकों की वर्दियां सिपाहियों की वर्दियां देखिए हम उत्सव मनाते हैं त्योहार मनाते हैं सैनिक कैसे मनाते हैं त्योहार सरहदों पर खड़े होकर सुनिए कि जल गए चराग से उड़ गए गुलाल से होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से इनके लिए गर्मियां क्या इनके लिए सर्दियां वर्दियां 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 ये वर्दियां गली का गुंडा है हमारे देश का सेना नायक
हमारे देश का सेनापति गली का गुंडा हो गया, जिन्होंने बयान दिया उन तक मेरी पंक्तियां पहुंचाइएगा। मैं घटना याद दिलाता हूं जब संसद पर हमला हुआ था, सुनिएगा, बड़ी गंभीरता से बात कहता हूं, गंभीरता से सुनिएगा, समर्थन भरपूर कीजिएगा। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां जो पतन के रास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रहे। अंतिम दृश्य दिखाता हूँ, ये हमारी बहनें बैठी हैं, एक मिनट और लेता हूँ आपका। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देश भक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देश भक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां, अरे क्या बात है, वाह। अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां। अच्छे से गीत के लिए, शानदार गीत के लिए आज पूरे एपिसोड की उपलब्धि है। हमारे सेना के प्रति, हमारे देश के, हमारे एक एक दिल में धड़कती है हमारी देश की सेना। बल्कि मैं तो आपसे निवेदन करता हूं पूरे देश के लोगों, जहां दिखाई दे हमारी सेना का कोई भी जवान, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय हिंदुस्तान। क्या बात है, मेरा खून का आखिरी कतरा बहाने वाला आदमी है। देश में आपातकाल लगाने वाली पार्टी अब हमें नहीं बताएगी कि देश में सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत लेने हैं या नहीं लेने हैं। वो दृश्य कैसा होता है जब एक शहीद का शव आता है, वो दृश्य कैसा होता है। मंत्र श्लोक सब नतमस्तक हो मौन खड़े रह जाते हैं, मंत्र श्लोक सब नतमस्तक हो मौन खड़े रह जाते हैं, स्वयं देवता अगवानी में स्वर्ग द्वार तक आते हैं, जिनकी यश गाथाएं कवि कंठों की शोभा पाती है, चाहे वो अनामिका अंबर हो, चाहे वो सुदीप भोला हो, चाहे कमलेश शर्मा हो, चाहे कविता किरण हो, जिनकी यश गाथाएं कवि कंठों की शोभा पाती है, होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं, होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत की एक नाजुक सी विधा को लेकर के और उसमें देश राग गाने वाले एक अद्भुत भट्ट कवि हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय कमलेश शर्मा जी। सदियों बाद दिखा जो अंदाजे तेजाब जरूरी था, एक एक रक्त की बूंद का लिया हिसाब जरूरी था, तुम यदि हमको मारोगे तो हम भी घुस कर मारेंगे, उग्रवादियों को भारत का यही जवाब जरूरी था, उग्रवादियों को भारत का यही जवाब जरूरी था। और एक बात और दुनिया को बता दी है, हम मानते हैं सुदीप भाई जी, चंद नेताओं को भले नहीं समझा पाई हो हमारी सेना, लेकिन दुनिया को समझा दिया। देखें आप क्या समझाया है कि ठोकर लगने पर गिर कर भी हमें संभलना आता है, वाह, दुनिया जान गई हमको दुष्टों को दलना आता है, आतंकी अड्डों पर सेना के हमलों ने बता दिया
जहरीले सांपों के फन को हमें कुचलना आता है, जहरीले सांपों के फन को हमें कुचलना आता है। बेशक बेशक कुचलना आता है, और हम तो हर हर महादेव बोल करके जब दुश्मन पे चढ़ाई कर जाते हैं तो महाकाल के बेटों से काल भी थर थर कांपता है। लेकिन कुछ लोगों को उसके सबूत चाहिए होते हैं। वो जब केजरीवाल जी ने जब सरकार ज्वाइन की तो कहने लगे कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए सुविधाएं, फिर सारी सुविधाएं ले ली। आजकल वो 5 कमरों के बंगले में रहते हैं, 1 कमरे में वो और उनका परिवार रहता है, 4 कमरे में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे हुए हैं। मैं सही बता, अद्भुत काम है। तो कह दिया भाई अगली बार कोई सबूत मांगे तो सर्जिकल ऑपरेशन में इनको सबसे आगे खड़ा करो और ले जाओ, फिर इनको समझ में आएगा कैसे सर्जिकल के सबूत मांगे जाते। सबूत इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो बचा कमरा भी भर गया। हाँ। तो उन्हें LG के कमरे में रहना पड़ा। अच्छा। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर जिन बिंदुओं पर ये कविता पाठ हो रहा है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और संयोग माने आपसे, जहां से बात संदीप शुरू करते हैं वहां मैं पूरी कर देता हूँ। संदीप की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बहुत छोटा सा गीत उन महान सपूतों के लिए, उन महान सपूतों के चरणों में रखता हूँ। आप भी साथ जुड़िएगा, पूरा देश देख रहा है सबसे बड़े न्यूज चैनल पर ये आयोजन मैं समर्पित करता हूँ। स्वागत। जिनके सहारे से कटी रात है, है, है। वाह वाह भाई, एक अद्भुत गीत शुरू किया है, अद्भुत तान छेड़ी है इन्होंने। एक बार इनका समर्थन करते हुए तालियां बजाइए जरा, पूरी एनर्जी से सुनिएगा। बहुत अच्छा, वाह बात, अद्भुत गीत सुनना, बहुत बढ़िया बात। वर्दियों की बात ही तो मुझे याद आ गया, मैं रखता हूँ। जिनके सहारे से कटी रात है और अंधेरों को मिली मात है, जिनके सहारे से कटी रात है और अंधेरों को मिली मात है, सूर्य को जो कैद से छुड़ा सके, जिनकी दम पे दिख रहा प्रभात है, काटने विदेशियों के वार को यानी दासता के अंधकार को, वे जले तो एक दीप से जले, वे जले तो एक दीप से चले, वे चले तो क्रांति दूत बन चले, जो कि आतताइयों को काल थे और वे जो क्रांति की मशाल थे, देश के लिए जो भीष्म से व्रती, जिनकी त्याग भावना भगीरथी, ऐसी पावनी भगीरथी का आचमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें, आओ शहीदों को हम नमन करें। शहीदों के चरणों में जो पुष्प काव्यांजलि के रूप में आदरणीय कमलेश शर्मा जी ने रखा, मुझे लगता है कि एक बार उनके लिए भरपूर तालियां बनती हैं। ये भाषा का संस्कार है, ये साहित्य का संस्कार है, ये हमारी कविता के संस्कार है। और इसी मशाल को मैं सौंपता हूँ अपनी बहन अनामिका अंबर जी को, कि एक शहीदों का उनका भी बहुत अच्छा गीत काफी लोकप्रिय है, मैं चाहता हूँ वो भी आज उस गीत को सुनाएं। बहुत धन्यवाद। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है, माँ को देखकर वो बेटा क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें झकझोरता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, यदि आपके आंखों में आंसू झलके तो झलकने दे, मेरे कहने की सार्थकता होगी। और आज के समय
जब नेता केवल उसको कोस रहे हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हो, तब कहीं वो मेरी संवेदना से जुड़ जाए तो मेरा कहना सार्थक होगा। मैं जोड़ती हूँ, वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है, जवान की शहादत का पूरा देश सम्मान करता है, समाज सम्मान करता है, घर सम्मान करता है, उस बेटे ने सम्मान किया। अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, आवाज नहीं आई आपकी, भारत माता की जय, वंदे 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 भारत माता की जय। ये हमारी कविता के संस्कार हैं, हमारे घर की इस काव्य मंच की सबसे छोटी बेटी ने संवेदना का जो शब्द चित्र बनाया, सैनिकों के प्रति सहानुभूति का एक यहाँ काव्य पुष्प रख दिया हमने। वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय कमलेश शर्मा जी। सुदीप की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, कई नेताओं के जब बयान सुनता हूँ तो लगता है वो हिंदुस्तान के नहीं, शायद पाकिस्तान के हैं उनके बयान आ रहे हैं। ऐसे जो पाकिस्तान की सियासत हिंदुस्तान में बैठे करते हैं, एक गीत रखता हूँ सुने। स्वागत, स्वागत, स्वागत। निडर खुद को जो कहते हैं मगर पहरे में रहते हैं, निडर खुद को जो कहते हैं मगर पहरे में रहते हैं, सांस तक गिरवी सेना पर, सांस तक गिरवी सेना पर, गालियां फिर भी सेना पर, सांस तक गिरवी सेना पर, गालियां फिर भी सेना पर, करें आरोपों की बौछार, सोच तो ले वे बस एक बार, न सेना होती पहरेदार तो बरखुरदार कहां होते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सेना करें आरोपों की बौछार, करें आरोपों की बौछार, सोच तो ले वे बस एक बार, न सेना होती पहरेदार तो बरखुरदार कहाँ होते, न सेना होती पहरेदार तो बरखुरदार कहाँ होते, झड़ी लगाते आरोपों की, झड़ी लगाते आरोपों की, वे सोचे एक बार, न सेना होती पहरेदार तो बरखुरदार कहाँ होते, कोसते नहीं जवानों को, न देते सिर्फ बयानों को, भेजते सीमाओं पर तुम अगर अपनी संतानों को, बहुत अच्छे, अच्छा है, कोसते नहीं जवानों को, न देते सिर्फ बयानों को, भेजते सीमाओं पर तुम अगर अपनी संतानों को, हो जाता
एहसास तुम्हें भी होते सीमा पार, बहत्तर हूरों का दीदार तुम्हें सरकार वहां होते, बहत्तर हूरों का दीदार तुम्हें सरकार वहां होते, न होती सेना पहरेदार, न होती सेना पहरेदार तो बरखुरदार कहां होते। झड़ी लगाते आरोपों की वे सोचे एक बार, न सेना होती पहरेदार तो बरखुरदार कहां होती, सेना पहरेदार तो बरखुरदार कहाँ होते। वाकई में वो 72 रूरों के पास भी हो सकते थे। अब हमारे बीच कविता किरण जी हैं, इस विषय पर आप क्या कहती हैं, एक बार अपने स्वर अपने तेवर से बता दीजिए। जब भी कवियत्री बोलती है माइक से तो ये बहुत चेतन होकर बैठ जाते हैं। मैं चार पंक्तियां इनको देती हूँ, सुनिएगा। कि इन्हें हर बात को हंस कर उड़ाना खूब आता है, नहीं सुनते किसी की है सुनाना खूब आता है, मगर वाकिफ नहीं शायद अभी ये इस हकीकत से, हमें महफिल में रंग अपना जमाना खूब आता है, हमें महफिल में रंग अपना जमाना खूब आता है। तो साहब बात इशारों की चल रही थी तो मैं भी किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, मैं सीधा सीधा आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थकों के विरुद्ध कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी और आप समझ जाएंगे किसके लिए कहा गया है, और साथ में सुर मिलाएंगे, ताल में ताल मिलाएंगे तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा, हाजिर कर रही हूँ। कि आतंकियों को आप यूं दाना न डालिए, आतंकियों को आप यूं दाना न डालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए, यूं सांप आस्तीन में मत आप पालिए। आप ताली बजा सकते हैं साथ साथ में, तालियों पर अभी कोई टैक्स नहीं लगा है, और रिदम से बजाएंगे तो और अच्छा लगेगा। कि यूं सांप आस्तीन में मत आप पालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए, वोटों की राजनीति खूब जानते हैं आप, इस फील्ड में हैं आप अपने बाप के भी बाप, वोटों की राजनीति खूब जानते हैं आप, इस फील्ड में हैं आप अपने बाप के भी बाप, दुश्मन को दावते हैं और गद्दारी देश से, जनता को ठग रहे हैं चोर संत वेश से, इंसानियत की आप न अर्थी निकालिए, अच्छा है बाबा बाबा क्या बात है, इंसानियत की आप न अर्थी निकालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए। और हमको करना क्या है वो देखिएगा, कि बातें करें न पाक और आतंकवाद की, बातें करें न पाक और आतंकवाद की, जो हो सके तो बात करें राष्ट्रवाद की, बातें करें न पाक और आतंकवाद की, जो हो सके तो बात करें राष्ट्रवाद की, ना नोट की न वोट न सत्ता के प्यार की, बातें हो भगत सिंह शिवा की कटार की। और पंक्ति देखिएगा, गिरती हुई यूं अपनी साख को संभालिए, गिरती हुई यूं अपनी साख को संभालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए, आतंकियों को आप यूं दाना न डालिए, यूं सांप आस्तीन में मत आप पालिए, टोपी पहन न देश की पगड़ी उछालिए। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर को लेकर हमसे उलझता रहता है, उसको नसीहत देते हुए मैंने दो छंद लिखे हैं, और एक नारी शक्ति अपने देशभक्ति के जज्बे में क्या कह सकती है, यहाँ पर नारी शक्ति मौजूद है, मैं कहना चाहती हूँ, और मेरी बात अगर आप तक पहुँचे तो मेरा समर्थन करिएगा। सुनिएगा पाकिस्तान के लिए दो छंद।
कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर मत कर, कश्मीर तुझको ही भारी पड़ जाएगा। अपने नापाक इरादों से तू बाज आ जा, वरना तेरे पाक का भी बखिया उधड़ जाएगा। शेर से चला है टकराने देखो एक चूहा, शेर से चला है टकराने देखो एक चूहा, कहीं पे ये सर तो कहीं पे धड़ जाएगा। और अपनी औकात पर हम जो आ गए तो फिर एक फूंक में ही पाकिस्तान उड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश की नारी जब चूल्हा फूंक सकती है तो पाकिस्तान तो बहुत छोटी मोटी चीज है। तब एक छंद और पढ़ना चाहती हूँ। आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई। जरूर बताएं। आपने देखा होगा महिलाएं, आपने फायर ब्रिगेड में काम करती हुई बहुत कम बहुत रेयर देखी होंगी। एक ने पूछा यार ये महिलाएं फायर ब्रिगेड में काम क्यों करती हैं, तो मैंने कहा यार महिलाओं का काम आग बुझाना थोड़ी होता है। तो आपने सही कहा, ये फिलहाल तो अभी आग लगाने का काम आप कर रहे हैं। लगाइए लगाइए। आग लगेगी नहीं, सुनिएगा एक छंद और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि वक्त है अभी भी सुन मुशर्रफ, मान भी जा, वरना एक दिन पछताना पड़ जाएगा। और कश्मीर भारत का दिल है इसे न तोड़, कश्मीर भारत का दिल है इसे न तोड़, तोड़ेगा तो देख लेना युद्ध छिड़ जाएगा। और सोए हुए सिंह को जगाना नहीं वरना, सोए हुए सिंह को जगाना नहीं वरना, तेरे पाक का भी हुलिया बिगड़ जाएगा। और अपनी औकात पर हम जो आ गए तो फिर एक फूंक में ही पाकिस्तान उड़ जाएगा, एक फूंक में ही पाकिस्तान उड़ जाएगा। शुक्रिया। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो फिर हर बात सुनी जाती है। लेकिन हमारे बीच में भी कुछ ऐसे कवि बैठे हैं जो आज श्रोता की भूमिका में हैं, लेकिन किसी बड़े कवि से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं जो हमारे मित्र अपनी कविताएं सुनाना चाहते हैं वे अपनी बात रखें इन विषयों पर। आजाद भैया ने और कविता जी ने कहा कि हम दो कौड़ी के देश पे अपनी कविता क्यों वेस्ट करें, तो उसी पे ही मैं अपने देश का वंदन करता हूं, दूसरे देश का नहीं। स्वागत। और एक मुक्तक रखता हूँ। लिया है जन्म जब से विश्व की पावन सी भूमि पर, वाह, मुझे बस देश का, बस देश का क्यों ख्याल रहता है। न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है, हमारे दिल में हिंदुस्तान जिंदाबाद रहता है। हमारे भारत की सीमा रोती है, मुख को आंसू से धोती है। भारत की सीमा रोती है, मुख को आंसू से धोती है। बलिदान सदा जो मुझ पर होते, गत उनकी कैसी होती है। जिन्होंने कटवाए शीश यहाँ, सीने पर गोली खाई है, उनकी लाशों पर राजनीति लेती क्यों अब अंगराई है। पूछ रहा है आज तिरंगा चुभते हुए सवालों को, कैसे माँ बलिदान करे सरहद पर अपने लालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के सबसे प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित नंबर वन चैनल जी न्यूज़ पर आपने देखा आज हम कवियों का, ये पांच शूरवीर बैठे हुए हैं, इन्होंने कविता से अपना अपनी बात रखी, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के तमाम विषयों को छुआ, देश के सेना को छुआ, वर्दियों को सम्मान दिया। इतने महनीय कार्यक्रम में आप सबने अपना अमूल्य योगदान दिया, समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।